बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पॉलीमराइज़ेशन का जो सेकंड हमारे पास कन्वर्जन है एसिटाइलीन की टू बेंजीन, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एसिटाइलीन को यूज़ करते हुए उसको हम बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास कंडीशन हैं वो ये है कि इधर हम यूज़ करेंगे जी कॉपर ट्यूब, ठीक है, कॉपर ट्यूब यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो होगा 300°C। इसके अलावा हमें एसिटाइलीन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम जी एसिटाइलीन लेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारे पास पूरा एसिटाइलीन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, एक हमारे पास इधर CH है और इधर भी हमारे पास क्या है CH, ठीक है, विच इज आल्सो इथाइन, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं जी हमारे पास एक और हम एसिटाइलीन लेते हैं कि हमारे पास ये है जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हमारे पास एसिटाइलीन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड दोनों के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। एक और ले लेते हैं, हमारे पास इधर भी है जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एच है जी और यहाँ पर कार्बन और ये एच। तो हमने पूरे पूरे तीन एसिटाइलीन जो है वो हमने बड़ी ही खूबसूरती से लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपने अरेंज करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, किस तरह से हमारे पास ये एसिटाइलीन जो है जब हम इसको क्या करेंगे कॉपर ट्यूब में रखेंगे, कॉपर ट्यूब प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेचर 300°C कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इसकी बॉन्डिंग टूटेगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जाकर अटैक करेगा इस पर, ठीक है। इसमें जब अटैक करेगा तो इसके पास इतनी वैलेंसी नहीं है कि ये 5 बॉन्ड बना सके, तो ये भी क्या करेगा जाकर अटैक कर देगा इसके ऊपर, वो कहेगा अल्लाह माफ करे तुम उधर जाओ, ठीक है। ये भी क्या करेगा, ये भी नहीं कर सकेगा तो ये वापिस उसके पास चला जाएगा, कि जिसने भीख देना शुरू की थी वो भीख उसी के पास आकर रुक गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इस केस में बॉन्डिंग्स जो है वो टूट चुकी हैं, क्योंकि पहले इसने जाके उस पर अटैक किया, एक बॉन्ड टूट गया, उसको गुस्सा आया उसने जाके उसकी बॉन्डिंग भी तोड़ दी, और इसको गुस्सा आया उसने जाके जिसने शुरू किया था उसकी बॉन्डिंग भी टूट गई, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी जी, कि हमारे पास कितने कार्बन थे हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन थे हमारे पास, हम 6 कार्बन को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन था हमारे पास, ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा था, इसकी डबल बॉन्ड रह गई है क्योंकि हमने बोला एक बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन। और ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पर बॉन्ड जो टूट रहा है वो हमारे पास क्या एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटने के केस में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीनों साइड पे क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड विच इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो हर जगह क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड टूट चुका है विच इज अ पाई बॉन्ड और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हमारे पास हम दूसरी की बात करते हैं, दूसरी एसिटाइलीन की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी डबल बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बन है इस डबल बॉन्ड सी, इसके पास भी एच है और इसके पास भी एच है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली एसिटाइलीन, इस एसिटाइलीन को देखते हैं, इधर भी हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, यहाँ पर भी एच है इसके पास और यहाँ पर भी एच है। अब क्या हो रहा है कि मैंने बोला है कि पाई बॉन्ड जो है वो टूट चुके हैं, एक एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, इसकी वजह से बीच में सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गए मीन्स कि ये कार्बन भी आपस में क्या बनाने के ज्वाइन हो जाए, उतनी कार्बन रहेंगे हमारे पास, उतनी हाइड्रोजन रहेंगे, उतनी डबल बॉन्डिंग रहेगी। 6 कार्बन से 6 कार्बन को अरेंज करके लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारे पास डबल बॉन्ड्स तो हैं वो तीन जगह पर है, ठीक है, डबल बॉन्ड फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव बॉन्ड है, यानी कि एक को छोड़ के एक, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है विच इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास क्या होगी बॉन्डिंग जो है कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ हुआ है अटैच्ड हुआ हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड अ बेंजीन रिंग। सो वी हैव प्रिपेयर्ड बेंजीन रिंग फ्रॉम द एसिटाइलीन, ठीक है। अगर आप इसको कार्बन कार्बन नहीं शो करना चाहते तो आप इसकी सिर्फ जो है स्ट्रक्चर भी बना सकते, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है बेंजीन, ठीक है, जिसमें हर पॉइंट्स पर हमारे पास जो है कार्बन 6 कार्बन अटैच हुए हुए हैं और इधर हमारे पास हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ हुआ है अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर आप डबल बॉन्ड को यूज होकर,
ठीक है। अगर आपने सर्कल नहीं बनाना तो आप डबल बॉन्ड को यूं शो कर देंगे लाइन लगा के कि ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अगर आपने यूं शो नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये बना सकते। तो ये हमारे पास क्या बन गए जी, बेंजीन रिंग बन गई। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उनसे जो हमारे पास रिएक्शंस है उनको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह।